आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो ट्रेनें, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में आती हुई, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। विपरीत दिशा मतलब दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से है। दोनों एक दूसरे को 7.2 सेकेंड में पार कर गई, यानी 7.2 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को पार कर जाती है। तो ज्ञात करना है कि संयुक्त गति क्या था, यानी कि दोनों का अपेक्षित स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या था, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो निकालना क्या है, चाल। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है। दूरी कितना आएगा, जब ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो टोटल दूरी कितना होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। एक ट्रेन का लंबाई 153 है, दूसरे का 127, जोड़ देंगे तो 3 7 3 10 0 हाथ में 1 5 2 7 1 8, 1 और 1 2, 280 मीटर तो लंबाई हो गया, बटा में क्या समय, कितना समय में दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है, 7.2 सेकेंड में। अब ये जो आगे हम लोग का चाल, वो किस में आएगा, ये चाल आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड क्यों, इसलिए क्योंकि दूरी किस में आया, मीटर में, और समय है सेकेंड में, तो चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। जबकि ऑप्शन में दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करना होगा, 18/5 से गुना करना होगा। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये तो हो गया। अब इस दशमलव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इनटू यहाँ कर देंगे 10। अब हम लोग यदि इसको सरल करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। सरल करते हैं, 18 × 72, 4 × 7 = 28, 0 उतर जाएगा, 5 से काटेंगे कितना बार में, 14 × 5 = 70, क्या बच गया, 14 यहाँ 10 यहाँ, गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की संयुक्त गति, यानी रिलेटिव स्पीड क्या था, ऑप्शन नंबर बी 140 किलोमीटर पर आवर। हम लोग का अगला प्रश्न है, तीन ट्रेनों की चालों का अनुपात 2 3 5 है, इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, तीनों की चाल का अनुपात, पहला ट्रेन, दूसरा ट्रेन और तीसरे ट्रेन की चाल, यानी स्पीड का अनुपात है 2 3 5, 2 3 5 के अनुपात में दे रहा है। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ बोल रहा है समान दूरी तय करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम लोग का होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, और ये बोल रहा है कि दूरी क्या है, समान है, इसका मतलब कि डिस्टेंस जो है कॉन्स्टेंट है, और डिस्टेंस जब सेम होगा तो इस दूरी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, और जब दूरी सेम है तो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है टाइम, चाल का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम। अब उल्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड ऊपर है तो ये टी कहाँ आ गया, टाइम नीचे आ गया, यानी कि स्पीड का उल्टा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम। तो यहाँ स्पीड दिया है तो टाइम क्या होगा, यानी 2 ऊपर में है तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/2, उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा टाइम, 1/3, इसका क्या हो जाएगा, 1/5, यानी यही हम लोग का क्या होगा, समय आएगा। तो कितना समय लग रहा है, लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। लेकिन इसी में कभी कभी क्या करता है, इसको सरल करके दे देगा। सरल का मतलब 2 3 5 का यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2 3 6,
6 × 5 = 30। अब 2 से 30 कितना बार में जाएगा? 15 बार में। 3 से कितना बार में जाएगा? 10 बार में। और ये 5 से 30 कितना बार जाएगा? 6 बार में। यानी इसको और यदि सरल कर देते हम लोग तो कितना आ जाता? 15:10:6 के अनुपात में। तो ऐसा न देकर अनुपात के रूप में इस तरह से भी दे सकता था तो हम लोग का आंसर क्या होता? तब ये हो जाता। यानी इसी को हम लोग क्या करते हैं? और सरल कर लेते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, यानी किसी न किसी दूरी को तय करती है इस चाल से 5 घंटा में। बोल रहा है यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो, समान मतलब जितना दूरी 5 घंटा में 240 की स्पीड से तय किया जा रहा है उसी स्पीड को यदि 45 मिनट में तय करना हो तो किस चाल से यात्रा करना होगा? निकालना है, यानी चाल निकालना है। कब? जब दूरी पहले के बराबर ही हो। पहले के बराबर मतलब जितना दूरी 5 घंटा में इतना की स्पीड से तय किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस चाहिए हम लोग के पास, तो कौन सा दूरी बोल रहा है? बोल रहा है समान दूरी को तय करना है। समान दूरी मतलब जो दूरी पहले तय किया जा रहा था, और पहले कितना दूरी तय किया जा रहा था? निश्चित दूरी, कितना समय में? 5 घंटा में इतना की चाल से। और दूरी बराबर क्या होता है हम लोग का? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि यहाँ डी का मान कितना आ जाएगा? एस इंटू टी। तो स्पीड 240 है और टाइम कितना? 5 घंटा, यानी कि डी का मान आ गया, डिस्टेंस इतना हो गया। इसी डिस्टेंस को कितना समय में तय करना है? बोला 45 मिनट में तय करना है। और 45 मिनट में तय करना है तो नीचे लिखेंगे 45, लेकिन लेकिन इसमें और क्या करना है? 45 तो लिखेंगे, लेकिन 45/60 लिखेंगे। क्यों? ये जो 5 है ये क्या है? घंटा है, 5 घंटा। और चाल किस में दे रहा है? चाल किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि जो दूरी आया होगा 240 को 5 में गुना करेंगे तो दूरी आ जाएगा किस में? किलोमीटर में। जब दूरी किलोमीटर में होता है तो समय किस में होना चाहिए हम लोग का? समय होना चाहिए घंटा में, तब तो बोलते हैं हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चाल निकालने के लिए यदि किलोमीटर का यूज कर रहे हैं दूरी में तो समय घंटा में होना चाहिए। यहाँ तो समय 45 मिनट दे रहा है तो इस 45 मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से यहाँ भाग दिए। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे, कैसे? 240 × 5 जो ऊपर था ऐसे लिख दिए, इसको क्या कर लेंगे हम लोग? इंटू में यहाँ लिखकर पलट देंगे, यानी 60 ऊपर और 45 नीचे। अब इसको सरल करना आसान हो जाएगा, काट लेते हैं 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 3 से काटेंगे 3 × 8 = 24, 0 उतर जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 5 × 4 = 20, अब 20 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 2 = 16, यानी 1600। क्या 1600? क्या 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि हम लोग का दूरी किस में था? दूरी आया किलोमीटर में, समय लिए घंटा में, तो चाल किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल। कब? यानी 45 मिनट में दूरी को तय करने के लिए जहाज को इस स्पीड से चलना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, किसी स्टेशन से चलती है, ठीक है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है, यानी क्या उसका स्पीड था? नहीं मालूम।
यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है ज्ञात कीजिए, यानी दूसरे ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। एक ट्रेन किसी स्टेशन से, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एक और ट्रेन उसी स्टेशन से, यानी दोनों ट्रेन एक ही स्टेशन से खुल रही है। तो मान लीजिए कि ये हम लोग का स्टेशन है, एक ट्रेन यहां से खुली, एक ट्रेन यहां से खुलेगी, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन, यानी 2 घंटे तक ये ट्रेन चली, तो 2 घंटे में यहां पहुंच गई, कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब बोल रहा है 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है, एक और ट्रेन यहीं से निकलेगी इसी स्टेशन से, स्टेशन दोनों का क्या है सेम है, ये निकली। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, यानी कहीं ना कहीं दोनों जाकर मिल जाएंगे, तो मान लीजिए कि दोनों ट्रेन यहां पहुंच जाते हैं, तो यहां पहुंचने के लिए इसको यहां आना होगा और इसको डायरेक्ट यहां आना होगा, ये डायरेक्ट यहां आएगा। अब बोला जा रहा है कि जब दूसरा ट्रेन कब खुलता है, बोला 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन खुलती है, यानी पहला ट्रेन जब 2 घंटे में यहां पहुंच गया तो ये वाला ट्रेन जो है यहां से खुलेगा, और कितना समय में दोनों मिल जाता है, यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, दोनों यहां मिले, यानी कि ये ट्रेन यहां से यहां आने में कितना समय लिया, 4 घंटा, 4 घंटे का यह समय लेता है, कौन सा ट्रेन, दूसरा ट्रेन, ये कौन है, पहला ट्रेन। अब 2 घंटा में पहला ट्रेन तो यहां आ चुका था, लेकिन जब ये 4 घंटा यहां से यहां तक चला, तो जब ये 4 घंटा चला तो ये वाला ट्रेन भी तो चल रहा था, यानी कि इस ट्रेन को यहां से यहां तक आने में 4 घंटे का समय लगा। तो देखा जाए तो एक्चुअल में पहले ट्रेन ने कितना घंटा समय लिया यहां तक पहुंचने में, 2 घंटा ये है, 4 घंटा ये, यानी कि पहले ट्रेन द्वारा 6 घंटे का समय लिया गया और दूसरे ट्रेन के द्वारा यहां पहुंचने में 4 घंटे का ही समय लिया गया। सबसे पहले ये समझना है कि पहले ट्रेन ने टोटल कितना टाइम लिया, 6 घंटे का, और यहां से यहां तक टोटल दूरी तय करने में दूसरे ट्रेन ने 4 घंटे का ही समय लिया। हम लोग इसको सेट करेंगे, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन, हम लोग के पास क्या है, दोनों का टाइमिंग है, तो लिखेंगे पहले ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 6 घंटा और दूसरे ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 4 घंटा। दूरी तो सेम है क्योंकि इसी दूरी को दोनों तय करता है, सेम दूरी। जब दूरी समान होता है, फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, यहां दूरी क्या है सेम है, जब दूरी सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब जब दूरी समान होता है तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम, या फिर ऐसे कहें कि टाइम का उल्टा होता है स्पीड। तो हम लोग के पास तो टाइम दिया है तो स्पीड क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि ये वाला 4 यहां और ये वाला 6 यहां हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको अनुपात में काट लेंगे, यानी 2 दुना 4 2 3 6। ये स्पीड किसका आया, पहले ट्रेन का, जबकि बोल रहा है कि पहले ट्रेन का स्पीड कितना था, 40, तो कह सकते हैं 2 का मान 40, यानी हम लोग का अनुपात में 2 आया, लेकिन ये खुद बोल रहा है कि पहले ट्रेन का 40 इतना था, तो 1 का मान निकाल लेंगे, तो 2 एकम 2, 20 दुना 40, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका मान, 1 का। दूसरे ट्रेन की गति क्या है, तो दूसरे ट्रेन का गति अनुपात में कितना, 3 अनुपात, तो 1 अनुपात का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात के मान से इसमें गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, दूसरे ट्रेन की चाल, ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, यानी खुलती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन
इतना की चाल से प्रस्थान करती है। यहाँ दूसरे ट्रेन का चाल दे रहा है, यानी है तो पिछले प्रश्न के जैसा ही, लेकिन यहाँ चाल जो दे रहा है दूसरे ट्रेन का दे रहा है, और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। पहली ट्रेन की चाल क्या है? सबसे पहले खुला कहां से? यह प्रस्थान का स्टेशन, यानी प्रस्थान बिंदु ये हो गया। इसी स्टेशन से सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में 2 घंटे के बाद, ये देखना है 2 घंटे के बाद, यानी दूसरी ट्रेन कब चलती है? पहले के चलने के 2 घंटे बाद, यानी पहला ट्रेन जब 2 घंटा चल गया होगा, मान लीजिए पहला ट्रेन 2 घंटा में यहाँ आया, पहला ट्रेन 2 घंटा चल चुका है, तो 2 घंटे के बाद दूसरा ट्रेन यहाँ से चलेगा। बोल रहा है कि दूसरा ट्रेन इतना की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर में आ जाती है। पहली ट्रेन के बराबर में आ जाती है, यानी कि पहले ट्रेन को पकड़ लेती है। तो मान लीजिए कि दोनों यहाँ मिलेंगे। अब ये ट्रेन जो है 5 घंटे में यहाँ आ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कितना घंटा में? 5 घंटा में। दोनों मिलेगा यहाँ, तो मिलने के लिए इसको भी तो आगे बढ़ना होगा, तो ये भी तो यहाँ आएगा। अब जब ये यहाँ पहुंच गया था, यानी 2 घंटे के बाद दूसरा ट्रेन चलना शुरू करता है, तो 2 घंटे के बाद जब ये यहाँ आ गया था पहला ट्रेन, तो जब ये चल रहा था तो ये खड़ा थोड़ी होगा, ये भी 5 घंटा चला होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 घंटे का समय लगा। ये कौन सा ट्रेन है? पहला ट्रेन। यानी पहले ट्रेन के द्वारा टोटल कितना टाइम लिया गया यहाँ तक पहुंचने में? 7 घंटे का। जबकि दूसरा ट्रेन कितना लेता है समय यहाँ तक पहुंचने में? 5 घंटे का ही समय लेता है। दोनों का समय आ गया, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सेट कर लेंगे। पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन दोनों का टाइमिंग, पहले ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 7 घंटा, दूसरे ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 5 घंटा। क्या है दूरी यहाँ? दूरी सेम है, यानी दोनों ट्रेन यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं तक आया है, दूरी सेम है। जब दूरी सेम होता है तो क्या होता है, स्पीड उलट जाता है, यानी 5 यहाँ आएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया चाल का अनुपातिक मान। अब दे क्या रहा है? बोला दूसरे ट्रेन की चाल इतनी है, हम लोग का तो अनुपात में दूसरे ट्रेन का चाल इतना आया है, और ये बोल रहा है कितना है, तो दोनों दूसरे ट्रेन का ही चाल है, तो कह सकते हैं कि 7 का मान 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 70 किलोमीटर, यानी कि 1 का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकालना है? पहले ट्रेन की चाल। तो 1 अनुपात का मान इतना, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो 5 अनुपात के मान के लिए इसमें गुना कर देंगे, 10 × 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली ट्रेन की चाल कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा।